बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, मैं हूं स्वीटी वर्मा, आपका स्वागत करती हूं कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलता है अनुदान। आम के मंजरों को मधुआ कीट से करे बचाओ, निर्माण कार्य को आसानी से करता है ब्रांड फार्मर। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक उत्पादनों के लिए जैसे मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी छत्ता, मधु निकासी यंत्र इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएँ चलाती है, जिनमें से एक है मधुमक्खी पालन। व्यवसाय शुरू करने के लिए उसमें लगने वाले उत्पादनों जैसे मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी कॉलोनी एवं मधु निकासी यंत्रों इत्यादि की खरीद एवं स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि अनुदान देती है। शेष 60% राशि किसान को स्वयं वहन करना होता है। आम के वृक्ष पर मंजर आ रहे हैं, इस समय मंजर में मधुआ कीट का प्रकोप होने की संभावना होती है, जिसका बुरा प्रभाव आम के उत्पादन पर पड़ता है। नुकसान से बचने के लिए समय रहते मधुआ कीट का नियंत्रण कर लेना चाहिए। कीटनाशक प्रयोग से कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आइए कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं कि आम के वृक्ष पर कीटनाशक का सही प्रयोग कैसे करें। किसान भाइयों, जिनके यहाँ आम के पेड़ हैं और मंजर आना शुरू हो गया है, तो उनको अभी तुरंत एमीडा क्लोरोपीड नामक दवा, जो कि कॉन्फिडोर, टाटा मीडा इन सब नामों से आती है, उसका 1 ml 1 लीटर पानी में घोल कर अपने पेड़ों पर छिड़काव कर दें। और ये छिड़काव आपको मंजर फूटने से पहले करना है। मंजर में जब फूल आ रहा है तब नहीं किया जाता है छिड़काव, मंजर में फूल आने से पहले छिड़काव करना है। और उसके बाद जब मंजर में दाना आ जाए, मटर के दाने जितना बड़ा, उसके बाद आपको छिड़काव करना है, एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव आप दाना आने के बाद करेंगे। और अभी तुरंत इमीडा क्लोरोपीड का छिड़काव कर दें। जो किसान इस समय गन्ने की फसल लगाने के इच्छुक हैं, उनके लिए विशेषज्ञ द्वारा सुझाया अनुशंसित प्रभेद हैं COH-92, COH-52 और CO-92/444। ये प्रभेद झारखंड की मिट्टी और जलवायु में बेहतर उत्पादन प्राप्त करती है। COH-92, COH-52 और CO-92/444 ये नाम है गन्ने के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद अच्छी उपज देने के साथ साथ रोगरोधी भी होती है। इन प्रभेदों की बुआई कर कृषक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। मुर्गियों में होने वाली एक बीमारी है रानीखेत। ये बीमारी मुर्गियों में तेजी से फैलती है और आसपास के सभी मुर्गियों को अपनी चपेट में ले लेती है। इस बीमारी के लग जाने की स्थिति में मुर्गियों को बचा पाना काफ़ी कठिन होता है। ये बीमारी मुर्गियों को ना लगे, इसके लिए रानीखेत का टीका मुर्गी पालन अपने मुर्गियों को जरूर लगवाएं। कुछ फसलों को लगाने के लिए खेत में मेड़ बनाना आवश्यक होता है। मेड़ बनाने का काम को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान ब्रांड फार्मर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है ब्रांड फार्मर। खेतों में आसानी से मेड़ निर्माण के लिए इस उपकरण का विकास किया गया है। इस उपकरण द्वारा एक समान मोटाई के मेड़ बहुत ही कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। ब्रांड फार्मर को प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के सफल व्यक्तित्व से मिलने की, तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। ये बिहन बाल जोन जोन घटता है तो लानते हैं, देते हैं, और उनसे बड़ बाजार में जाते हैं, संगे मिले सबको मिल बेचते हैं। तो पूरा परिवार मिलकर आप लोग खेती करते हैं? पूरा परिवार। तो पूरा परिवार का भरण पोषण खेती से हो जाता है? खेती से होता है हम लोग के। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहर के मौसम के मिजाज पर।
रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस, देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस, मेदिनीनगर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस, धनबाद अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें जाना मौसम का हाल और कृषि की नई तकनीक के बारे में। वक्त है एक छोटे से विराम का, विराम के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी, अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2,000 की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। विराम के बाद आपका स्वागत है। तसर सिल्क रेशम का एक प्रकार है, जो कई प्रकार के वृक्षों पे जीवित रहने वाले रेशम के कीड़े के लार्वा द्वारा अपने खोल के रूप में निर्मित कोकुन से प्राप्त किया जाता है। पर कई बार इन पौधों में लगने वाले रोग और कीट इसके पैदावार शक्ति को कम कर देते हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए तसर खाद पौधों में लगने वाले रोग और कीट प्रबंधन के बारे में। तसर रेशम का पालन अर्जुन आसन और सालगे पौधे पर होता है। ये खाद पौधे के रूप में कार्य करते हैं। कीट पालन अंडे से जब कीड़े निकलते हैं उनको इस पर चढ़ा दिए जाते हैं। कीट पालन प्रथम अवस्था से पंचम अवस्था तक होते हैं। उसके बाद ये कोशा बनाते हैं, कोशा को काट लिया जाता है, कोशा से अंडे भी बनते हैं, अगले फसल के लिए ये तैयार किए जाते हैं। कोशा से जब तितली निकल जाती है तो उससे धागे का काम करते हैं। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन के संक में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के नगड़ी प्रखंड के केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में, जहां हमारे साथ यहां के वैज्ञानिक डी डॉक्टर सुरेंद्र नाथ जी हैं। आइए उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि तसर खाद्य पौधों में रोग व कीट प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, ताकि हमारे किसान जो ये काम करते हैं उनको अच्छी तरीके से उसका जानकारी हो सके और वो अधिक से अधिक इससे लाभ कमा सके। पहले हम बोल रहे हैं ना, ये लीफ स्पॉट है, इसका लीफ स्पॉट है, ये फंगल पैथोजन से ये हार्म कर रहा है इसको। और पहला है पाउडर मिल्ड्यू, ये भी फंगल है, और एक ब्लैक नोडल गर्डलिंग से ऐसे भी ब्लैक हो जाएगी, ये पत्ता गिर जाएगी, इसके लॉस हो जाएगी, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगी, इसलिए ब्लैक नोडल गर्डलिंग डिसीज बोलता है। मेजर है ये फंगल का, फंगल पैथोजेंस का ये इफेक्ट इम्पैक्ट है। और एक ये कीड़ा से ना, कीड़ा से थोड़ा पेस्ट भी है इसको, भाई नाम है कांतिकोना है, कांतिकोना है, जून जुलाई बीटल भाई थोड़ा बहुत हार्म कर रहा है इसे। हमारा डायरेक्टर है इधर, इसका नाम है डॉक्टर आलोक सहाय जी, ये कोशिश कर रहा है, बहुत शोध चल रहा है इधर, बहुत रिसर्च भी चल रहा है, इसलिए कैसा कंट्रोल करना थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस, बहुत है, बहुत शोध जा रहा है, रिसर्च चल रहा है इधर, इसलिए वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इसके फार्मर्स को, आपको मानना आदिवासी सर डिपेंडिंग ऑन दिस, इसलिए हमको कंप्लीट रिसर्च कर रहा है इधर।
पारंपरिक खेती से बहुत लाभ नहीं होता था, मगर अनुसंधान केंद्र से विकसित तकनीक से जो कीट पालन हो रहा है उससे काफी लाभ बढ़ा है। उन्नत खाद, पौधे, देखरेख, कटाई, छटाई तमाम तकनीक विकसित किए गए हैं। 35 दिनों की अवधि होती है जिसमें 45,000 तक किसान कमा सकते हैं। इसमें रोग पाउंड्री मिल्डू जिसको चोड़ी लासिता कहते हैं, पत्ती के पिछले साइड में यहाँ पे सफ़ेद कलर में एकदम चूड़ी माने वो हो जाएगा, पस्चुल्स हो जाएंगे चूड़े चूड़े सफ़ेद इसके पीछे साइड में। और इसका प्रकोप जो है जुलाई अगस्त में ज़्यादा होता है, जुलाई अगस्त में। लिप स्पॉट का अक्टूबर नवंबर में आता है, लिप स्पॉट में होता है क्या कि इसमें जो है पहले पत्ती पे पीले पीले ताबे की आकार के मतलब उसमें धाबे पड़ते हैं पिछले साइड में और इसके अपर साइड से, और फिर वो धीरे धीरे जो है इस पत्ती का जो है इस तरह से गोल हो जाता है। तो इस तरह से हमारी पत्ती का जो है करीब इसका ग्रेडिंग होता है, 50-60% हमारी ये पत्ती नुकसानदायक मतलब नुकसान हो गया है 50-60%। तो इस तरह से हमारे कीट अगर इसको खाते हैं, तसर कीट इसको खाता है तो उसको तरह तरह की बीमारी हो जाएगी, फंगल हो जाएगा और वायरस हो जाएगा और बैक्टीरियल मतलब उससे मतलब कीट हो जाएगा और हमारा प्रोडक्शन जो है कोसा का उत्पादन कम होता है। तो इसके बचाव के लिए किसान भाइयों मैंकोजेब 0.1% और डाइथेमियम 45% का घोल का स्प्रे करके हम इससे बचाव करते हैं। चूँकि ये बाह्य कीट पालन है, बाहर में कीट पालन करने पर बहुत तरह के शत्रु पीड़क कीड़े आते हैं, ऐसे में इनसे तभी तसर के कीड़े बच सकते हैं जब खा पी कर ये मजबूत बने और उनसे लड़ने की क्षमता लाए। कीट पालन के दौरान कई तरह के विष संक्रमण का प्रयोग किया जाता है, ये तीन तरह के होते हैं। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उन प्लांट का मिश्रण बनाया जाता है जिसको नाम दिया गया है जीवन सुधा। इसका छिड़काव कर बीमारियों से निजात पाया जाता है। इसके अलावा अंडों को विष संक्रमण किया जाता है। अर्जुन आसन के प्रूनिंग का मतलब है, कटाई छटाई का मतलब है किसान भाइयों कि जो हमारे अर्जुन आसन के पौधे हैं उनके ब्रांच को उनके शाखाओं को 6 इंच छोड़ करके हम उनको कट कर देते हैं और शार्प मतलब आरी से या किसी प्रूनिंग सा से उसको कटिंग करते हैं ताकि वहाँ पे इंजुरी माने वहाँ पे चोट वगैरह न लगे और एक राउंड में कट जाए। और काटने के बाद उस पर हम ये बेबेस्टीन का, दर्शवान का और मिट्टी गोबर का घोल बना करके उस पर लेप करते हैं ताकि उस पर कीट पतंगे और ये टर्माइट माने दीमक का प्रकोप ना हो सके, इससे बचाव के लिए हम ऐसा करते हैं। और हम अगर प्रूनिंग प्लांटिंग करते हैं तो ये सारे कीटों को भी वो कंट्रोल करता है और ये जो है रोगों को भी वो करता है, ये मैकेनिकली बचाव के हमारे मतलब तरीके हैं। दूसरे केमिकल का प्रकोप, केमिकल से बचाव के लिए जैसे हम रोगर का प्रूनिंग के बाद रोगर का अप्रैल मई में 3% का हम स्प्रे 3 बार करते हैं तो जिससे ये रोग और कीट गाल कीट ये सब से बचाव होता है। डुपरा टैक्स के माध्यम से गुणवत्ता कीड़े निकलते हैं जो बीमारी रहित भी होते हैं। वे कहते हैं कि आज गुणवत्ते चकत्ते से दोगुना क्या तिगुना तक लाभ हो रहा है, किसानों का मुनाफा बढ़ रहा है, उत्पादन तो बढ़ ही रहे हैं। जी फ्लाई है, कांति कोना है, ये माने इनका ट्रैक होता है हमारे जो सिल्क वर्म है उस पर, और एक मई जून बीटल जो जुलाई मंथ में कीड़े को मतलब पत्ती को खा करके करीब 15% नुकसान पहुंचाता है। तो उसको बचाव के लिए हमें नीम केम का जो है ये फील्ड में पौधे के किनारे किनारे बेसिल डोज देते हैं नीम केक 50-100 ग्राम पर पौधा और इसको अप्रैल मई में इसकी खुदाई करते रहते हैं जिससे उससे बचाव किया जा सकता है। रोग से बचाव के लिए किसान भाइयों को मेन वो है कि प्रूनिंग प्लांटिंग को ध्यान रखें और अपने फील्ड की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए माने फील्ड की साफ सफाई जैसे यहाँ दिख रहा है हमारा जीन बैंक तो इस तरह की साफ सफाई होना चाहिए और इस तरह साफ सफाई रहेगा तो उनका जो है कोसा उत्पादन बेहतर होगा और कीट पालन ये कीड़े से और रोग से मुक्त होगा। सावधानी में भी तकनीक शामिल है, मसलन चाकी गार्डन में छोटे कीड़े का कीट पालन, इसमें मच्छरदानी से कीट पालन करें ताकि शत्रु कीड़े अंदर ना आ पाएं। दूसरी अहम बात बताते हैं वे कि कौवे वगैरह जो पक्षी होते हैं
उनके हमले से भी हमें रोकना होगा, क्योंकि वे भी सैकड़ों कीड़ों को उठा ले जाते हैं। तीसरी बड़ी बात वे बताते हैं कि धागाकरण और कताई के वक्त भी हमें काफ़ी कुछ ध्यान रखना होगा। शुष्कीकरण अगर सही से नहीं होगा तो धागा अच्छा नहीं निकलेगा। झारखंड में इसके लिए जलवायु बेहतरीन है, यहाँ तसर के लिए अनुकूल मौसम है, 2 से 3 फसल तक आराम से उगाया जा सकता है। हमारे अनुसंधान केंद्र में अच्छी तकनीक विकसित की गई है, जब भी जानकारी लेनी हो बिना संकोच के संपर्क करें और अच्छी खेती कर आमदनी बढ़ाएं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा तसर खाद पौधों में लगने वाले रोग और कीट प्रबंधन के बारे में। वक्त है एक छोटे से विराम का, विराम के बाद जल्द हाजिर होते हैं। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो, बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। विराम के बाद आपका स्वागत है। मछली पालन का काम एक ऐसा काम है जिसे हम कम लागत में अधिक से अधिक कमाई की जा सकती है, और आए दिनों सरकार द्वारा मत्स्य प्रशिक्षण का अलग अलग कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें अधिक से अधिक जल संशोधन के बारे में भी बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए मत्स्य प्रशिक्षण की योजनाओं के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मत्स्य विभाग के निदेशक श्री HN द्विवेदी जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मत्स्य विभाग की प्रशिक्षण योजनाएं कौन कौन सी हैं जिससे हमारे मत्स्य पालक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। मछली पालन एक बहुत ही अच्छा रोजगार है, लेकिन इसमें जो भी तकनीक है उसके लिए प्रशिक्षण होना आवश्यक है। प्रशिक्षण के मुख्य पहलू हमारा ये रहता है कि कैसे हम लोग मछली का बीज तैयार करें, यानी हैचरी प्रबंधन के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। इसके बाद उनको मछली का बीज कैसे बनाया जाए, बीज उत्पादन कैसे किया जाए, फ्राई कैसे बनाया जाए, फिंगरलिंग कैसे बनाया जाए, इसलिए उनको मत्स्य बीज उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे नर्सरी तालाब प्रबंधन कहते हैं और रियरिंग तालाब प्रबंधन कहते हैं। इसके अलावे तालाबों में मछली उत्पादन के लिए 5 दिवसीय वैज्ञानिक पद्धति से मछली उत्पादन के बारे में सिखाया जाता है, जिसको सघन मत्स्य पालन कहते हैं। फीड वेस्ट फिशरीज के बारे में पूरी जानकारी उन्हें दी जाती है, साथ साथ एक्सपोजर विजिट भी कराया जाता है, और जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको उनके सामने रखा जाता है, उनका वीडियोस दिखाया जाता है, उनका स्टेटमेंट्स बताया जाता है, उदाहरण के रूप में उनको क्षेत्र में भी घुमाया जाता है। प्रशिक्षण की एक खासियत है। साथ ही साथ हमारे राज्य में केज में मछली पालन, जो सामने केज है आप देख सकते हैं पीछे में, ये तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर लगा हुआ है। एक छोटा सा खाना में उतना मछली का उत्पादन होता है जो कि आप 2-2.5 एकड़ में मछली उत्पादन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसमें 25 क्विंटल से 30 क्विंटल तक 40 क्विंटल तक मछली का उत्पादन फीड वेस्ट फिशरीज के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो इसके संबंध में केज में मछली पालन के संबंध में हम लोग 5 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। अब तो नई तकनीक है पेन कल्चर और RFF, नदी में डैम के किनारा को बांधकर नई टेक्नोलॉजी। हम जहाज इसको बोलेंगे कि वो जो किनारे लगा हुआ है RFF उसको कहते हैं, वो जो ड्रम जो लगा हुआ है उसको RFF कहते हैं। उस ड्रम में जाल लगा के फ्लोट करा के पानी में डाला जाता है और नीचे जाल मुड़ा हुआ रहता है, जैसे जैसे पानी ऊपर आता है मैक्सिमम लेवल तक करके पानी को एक तरफ किनारा घेर दिया जाता है। ये इस ढंग से नदी में दो बीच में जहाँ सदाबहार पानी रहता है उसमें भी हम लोग मछली पालन करते हैं, इसके उसकी भी जानकारी देते हैं। तो RFF में भी मछली पालन की जानकारी देते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग कैसे मछली
का वैल्यू एडिशन करें उसके बारे में भी जानकारी देते हैं कि मछली का मूल्य संवर्धन कैसे किया जाए, उनको कैसे बेहतर मार्केट उपलब्ध कराया जाए, तो उसके संबंध में भी हम लोग 5 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं। विपणन पर भी, मार्केटिंग के लिए भी उनको प्रशिक्षण देते हैं, साथ साथ फीड बेस्ड फिशरीज, फीड कैसे बनाया जाए स्थानीय स्तर पर, या फीड बेस्ड फिशरीज जो है उसके तहत कैसे मछली को खाना देना है, कैसे मछली का उत्पादन आगे बढ़ाना है, विशेष तौर से पानी की जांच के बारे में भी लोगों को बताते हैं, पारा मत्स्य मित्रों का भी ट्रेनिंग देते हैं ताकि पानी की जांच स्थानीय स्तर पर करके उन्हें ठीक किया जाए और पानी का क्वालिटी बढ़िया करके मछली का नेचुरल फूड जो है उसको भी अच्छा किया जाए, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, तो उसका भी अलग से स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग अभी रंगीन मछली पालन का भी कार्यक्रम चलाते हैं, उसमें भी 5 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं, उससे महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, जिसमें उनको निर्माण कराना, मछली का एक्वेरियम का निर्माण कराना और इसके बाद मछली, रंगीन मछली का ब्रीडिंग कराना, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं, उसका भी 5 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं। अब तो नए नए और भी चीज़, जैसे अभी RAS रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी हम लोग बाहर में भी अपने ऑफिसर्स को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं और यहाँ भी प्रशिक्षण दे रहे हैं और सब लोगों को उसके बारे में भी सिखला रहे हैं कि रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जो नया टेक्नोलॉजी है उसको कैसे अडॉप्ट करें। इतना ही नहीं, लाइव फिश के मार्केटिंग के संबंध में भी और उनको अच्छा पैसा मुहैया हो इसके लिए भी हम लोगों को जानकारी देते हैं, उसका भी प्रशिक्षण देते हैं। नए टेक्नोलॉजी में तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पर्ल कल्चर अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसका भी हम लोग उनको जानकारी देंगे। अभी हम लोग कॉमन कार्प का ब्रीडिंग होता है उसके लिए भी उनको प्रशिक्षण देते हैं। ऐसे तमाम क्षेत्रों में मछली का बीज उत्पादन से ले कर मछली खाने तक, बेचने तक के लिए जो भी हाइजेनिक मछली लोगों को मिले, उपलब्ध हो, ताज़ी मछलियाँ मिले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, इन सभी क्षेत्र दृष्टिकोण को रखते हुए, व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए, साथ साथ मछली पालन के साथ साथ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग जिसमें समेकित मत्स्य पालन जिसको कहते हैं उसका भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें मछली पालन के साथ साथ गाय पालन के बारे में, मुर्गी पालन के बारे में, बतख पालन के बारे में, सब्जी की खेती के बारे में, जो भी आसपास किया जा सकता है सब एक साथ करके वो अच्छा अपना विकास कर सकते हैं और अच्छी आमदनी पैदा प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर विभाग फोकस किए हुए है, दूसरे विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके भी हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जितने भी जनउपयोगी योजनाएं हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी देते हैं, उसका बारे में भी प्रशिक्षित करते हैं, अपनी भी योजनाएं और दूसरे विभाग की भी जो भी जनउपयोगी योजनाएँ हैं उन तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं। अच्छा सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं और उस पर प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आप लोग जो चयन करते हैं प्रशिक्षणार्थियों का वो किस प्रकार से करते हैं, चूँकि महिलाएँ भी रहती हैं उसमें, पुरुष भी रहते हैं, तो उनका चयन कैसे होता है? प्रशिक्षणार्थियों का चयन जिला स्तर पर किया जाता है, जिला में किया जाता है, गाँव के जो भी ग्रामीण ग्राम सभा है वहाँ से भी, स्थानीय स्तर से भी रिकमेंड होकर आता है कि इनके पास तालाब है, या जो नवयुवक सीखना चाहते हैं और सीख के अपना तालाब नहीं है तो दूसरे के तालाब में भी साझा लेके करने के लिए, जो कि खाली वैसी नहीं पड़ा रहे, वो जहाँ भी जहाँ पानी है वहाँ पर मछली पालन हो, इसलिए इस गाँव की तरफ से उठ के ही जो रिकमेंडेशन आता है, हमारे मत्स्य मित्र, मत्स्य बीज उत्पादक सभी लोगों का इसमें सहयोग रहता है, उन लोग सारी सूचनाएं उन लोगों को देते हैं कि मछली पालन एक राज्य स्तरीय बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है, आप लोग जाके लें और जानकारी लेके वो लोग अपना मछली पालन को आगे बढ़ाते हैं। मछली पाल रहे हैं उनको हम यही संदेश देंगे कि खूब बढ़िया से, खूब जानकारी लेके, बिना कुछ सोचे हुए एक लक्ष्य लेके मछली उत्पादन करें और राज्य स्तर पर मछली उत्पादन का जो अभी औसत है उसको राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन में ले जाना है, और इसके बाद दूसरे जो अग्रणी राज्य हैं उनका जो स्तर है, जो टॉप लेवल का स्तर है, उस टारगेट को पाने के लिए आप लोग कृत संकल्पित होके फीड बेस्ड फिशरीज करके वैज्ञानिक पद्धति से मछली उत्पादन करके आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए।
आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप इससे जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या है 834001। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड पर। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।